नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने गिट्टी बालू छोड़कर सभी मालवाहक वाहनों की आवाजाही का दिया आदेश। बिहार सरकार ने बंद के माहौल में बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने गिट्टी बालू को छोड़कर सभी मालवाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने गाड़ियों के वर्कशॉप को भी खोलने का ऐलान जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने हाल ही में विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स के साथ समीक्षा बैठक के आयोजन के बाद की है, जहां पर उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को जाना है। बिहार में बीते रात तक कोरोना के दो नए मामले आए सामने। बिहार में बीते रात तक कोरोना के दो नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई इन दोनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबरों के माने तो यह दोनों ही व्यक्ति सिवान जिले के रहने वाले हैं। वहीं इसी बीच बिहार में पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल मिलाकर 34 हो गई है। बिहार का सिवान जिला इस समय में कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित चल रहा है। ऐसे में इन जिलों में लगातार बढ़ रहे मामले ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में कोरोना के बीच में ड्यूटी से गायब मिले 198 डॉक्टर। पूरे भारत में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसी बीच बिहार में कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में हाल ही में ड्यूटी से 198 डॉक्टर्स गायब मिले हैं, जिनकी सूची अब तैयार कर ली गई है। वहीं प्रशासन ने ऐसे सभी डॉक्टर्स पर सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान जारी किया है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि 30 अप्रैल तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी कैंसिल की जा रही है। ऐसे में 198 डॉक्टर्स का काम पर नहीं आना कोरोना के फैलते असर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बिहार में तैयार हुआ कोरोना की परीक्षा से पास होने के लिए कोरोना वैन। कोरोना इस समय में तेजी से बिहार में अपने पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना से अब तक कुल मिलाकर 34 लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इसी बीच कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए औरंगाबाद के चिकित्सक डॉक्टर जनमेजय ने अपने कार में ही सारी व्यवस्था बना डाली है, जिसमें बैठकर बिना किसी परेशानी से कोई भी व्यक्ति कोरोना की जांच करवा सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लोग अस्पताल और कोरोना के नाम से जांच करवाने में कतराते हैं, मगर इस वैन की मदद से अब आसानी से जांच करवाई जा सकती है, जिसके लिए बस लोगों को एक फोन कॉल करने की जरूरत होगी। बिहार के राज्यपाल ने अगले एक साल तक अपने वेतन का 30% राशि लेने से किया मना। हाल ही में भाजपा के सभी सांसदों का 30% सैलरी कोरोना के इलाज के लिए समर्पित करने के बाद बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी अगले एक साल तक अपने वेतन का 30% राशि लेने से मना कर दिया है, जिसके बारे में फागू चौहान ने राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए कहा है कि उन्होंने अपने इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना की इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाल लेगी। अब गया जिले पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। कोरोना के बढ़ते असर ने पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं भारत में भी कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के गया जिले में कोरोना काफी ज्यादा बढ़ता देखा जा रहा है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए अब गया जिले पर ड्रोन से नजर रखने की पहल तेज की गई है, जो कि बंद के इस ऐलान का पालन नहीं करने वालों पर सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश भी जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत गया सर्किट हाउस में बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ड्रोन कैमरे से नजर रखकर की है। राशन दुकानें के खुलने के समय में एक बार फिर से किया गया बदलाव। कोरोना के कारण बंद की स्थिति में राशन लेने वालों की कतार लंबी देखने को मिलती है। वहीं कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बार बार प्रशासन किराना दुकान को खोलने और बंद करने का समय तय कर रही है, जिसके तहत एक बार फिर से राशन की दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय किया गया है, जिसके तहत जन वितरण प्रणाली दुकान सुबह 7 बजे से खुलेगी, जो शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए यह दुकान 7 बजे से 10 बजे तक, वहीं 10 से 2 बजे तक का समय सभी लाभार्थियों के लिए और 2 से 4 बजे तक के बीच में हर श्रेणी की महिलाएं दुकान पर जाकर अनाज ले सकेंगी। डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का किया गया ऐलान। कोरोना की इस परीक्षा में दिन रात लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वैसे भी सरकार ने आयुष डॉक्टरों के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी मंगल पांडे ने जारी करते हुए बताया है कि अब से सभी आयुष चिकित्सकों को 44,000 प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि आयुष चिकित्सकों का इसका लाभ 7 दिसंबर 2018 की तारीख से मान्य होगा। सरकारी स्कूल के 8वीं से 12वीं तक के छात्र रेडियो और टीवी से करेंगे पढ़ाई। कोरोना के कारण बंद के ऐलान के बाद छात्रों का काफी सारा समय बर्बाद हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूल के 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अब शिक्षा विभाग ने रेडियो और टीवी के माध्यम से पढ़ाने का ऐलान जारी किया है, जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू की गई है। ज्ञात हो यह जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से दी गई है। दिल्ली से ज्यादा महाराष्ट्र से लौटे हैं बिहारी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद अलग अलग राज्यों में रह रहे बिहार के लोग वापस लौटते देखे गए थे। वहीं श्रम संसाधन मंत्रालय की माने तो वापस लौटे लोगों में से दिल्ली से ज्यादा मुंबई से लौटने वाले हैं। वहीं वर्तमान समय में मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या देखी गई है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य विभाग अब सख्ते में आ गया है, क्योंकि मुंबई से लौटे लोगों में से अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वह बाकी लोगों के लिए अच्छी खबर साबित नहीं होगी। पटना जू को भी आइसोलेट करने का किया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब पटना जू को भी आइसोलेट करने का फैसला जारी किया गया है, जिसके तहत पटना जू के सभी कर्मियों को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। खबरों के माने तो अमेरिका में एक बाघिन में कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। वहीं 24 घंटे कैमरे से जू पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, जू की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।
बंद के दौरान अब तक 9000 से ज्यादा वाहनों को लिया गया। बिहार में बंद का खासा असर देखा जा रहा है और राहत की बात यह है कि राज्य में 38 में से कुल 28 जिलों में कोरोना अभी तक नहीं पहुंच पाया है, इसका कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं अब तक बंद के दौरान बिहार में कुल मिलाकर 9000 से अधिक गाड़ियों को नियमों का पालन नहीं करने के कारण पकड़ा गया है, साथ ही 445 लोगों को बंद भी किया गया है। पटना में इस होटल के आसपास के 2000 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की होगी जांच। पटना के होटल नारायण इंद्रासन के आसपास के 2000 फ्लैटों में रहने वाले लोगों को जल्द ही जांच करवाई जाएगी। यह होटल पटना के फ्रेजर रोड के पास स्थित है, जिसकी जांच की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू कर दी गई है। हालांकि इस होटल में काम करने वाले नौकर्मियों का भी टेस्ट करवाया गया है, लेकिन अभी किसी में भी कोरोना के पॉजिटिव होने की खबर सामने नहीं आई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 6 लोगों ने पास की कोरोना की परीक्षा। कोरोना के कारण इस समय पूरे भारत में बंदी का माहौल बना हुआ है, वहीं आम जनता भी कोरोना के कारण काफी ज्यादा परेशान है। इसी बीच भागलपुर से भी एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 6 कोरोना पॉजिटिव लोगों ने कोरोना की इस परीक्षा को पास कर लिया है। इन सभी 6 लोगों का दूसरा जांच रिपोर्ट गलत आया है, वहीं इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद इन सभी 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पटना का पारा पहुंचा 38 डिग्री के आसपास। बंद के बीच धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है, गर्मी का असर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और पारा भी ऊपर चढ़ने लगा है। राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन यहां लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक का पारा देखने को मिला था। तेज पछुआ हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास भी अब होने लगा है। सड़कों पर वैसे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन घर में बैठे लोग भी मौसम में इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। बिहार के बीसीईसीई परीक्षा को किया गया स्थगित। बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए, साथ ही कोरोना के कारण बंद के ऐलान के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, बीसीईसीई ने एडमिट कार्ड को जारी करने में भी देरी होने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी बीसीईसीई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट bcece.bihar.gov.in पर अधिसूचना जारी करके दे दी है। ज्ञात हो बीसीईसीई का आयोजन 19 और 20 अप्रैल को होना था। पटना के सभी सब्जी मंडी में लगाए गए सैनिटाइजिंग टनल। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में सैनिटाइजिंग टनल का आयोजन किया गया है, जिसकी सुविधा लोगों को रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दी जाएगी। तैयार किए गए इस टनल में प्रवेश एवं निकासी के लिए 2 अलग अलग छोर तैयार किए गए हैं। टनल में प्रवेश करते ही चारों ओर से व्यक्ति पर सैनिटाइजिंग स्प्रे होगा, जिससे उस व्यक्ति का शरीर स्वच्छ और साफ हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस स्प्रे को विशेषज्ञों ने तैयार किया है, जो कि कोरोना के फैलते लक्षण को देखते हुए काफी कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने से पहले लगा दी यह शर्त। 14 तारीख के बंद को खत्म होने के बाद किन चीजों की होगी शुरुआत, इन बातों पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इन सब के बीच स्कूल कॉलेज शुरू होने पर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके तहत अब प्रशासन ने सफाई देते हुए यह कह दिया है कि अगर स्कूल कॉलेज खोलने का प्लान बनाया गया तो इसमें कुछ शर्तें होंगी, जिसके तहत स्कूल कॉलेज शुरू होने पर एक कमरे में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स के बैठने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अभी इस बात पर सोच विचार नहीं हो पाया है कि किन जिलों के स्कूल्स को खोला जाएगा और किसको बंद रखा जाएगा। मुकेश सैनी जरूरतमंदों के खाते में रुपए जमा कराने झोला भरकर पहुंच गए बैंक। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने हाल ही में जरूरतमंदों के खाता में पैसा जमा करवाने के लिए झोला भरकर बैंक जाते दिखाई दिए हैं, जिस पर मुकेश सैनी ने कहा है कि दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों के कई सारे फोन उनके पास आए हैं, जिसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस पैसे से भरा बैग लेकर बैंक पहुंच गया हूं और उन सभी के खातों में पैसा जमा करवा रहा हूं। इतना ही नहीं, मुकेश सैनी ने अपने दरभंगा वाले घर पर कॉल सेंटर का आयोजन भी करवा दिया है, जहां पर लोग कॉल करके अपनी परेशानी को बता रहे हैं। लालू यादव को जल्द ही निकाला जा सकता है बाहर। कोरोना के बढ़ते असर के बीच राजद के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। खबरों की माने तो जल्द ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम से बाहर निकाला जा सकता है। खबरों की माने तो कोरोना ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है, ऐसे में लालू यादव को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार ने पीएचएच और अंत्योदय लाभुकों के लिए जारी की यह व्यवस्था। केंद्र सरकार ने कोरोना से केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी पीएचएच व अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 महीने यानी अप्रैल मई जून के लिए अतिरिक्त निःशुल्क 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से भी इन लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। बिहार के कौशल के गीत पर मुस्कुरा रहा है पूरा इंडिया। देशभर में फैले कोरोना के बीच बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले कौशल किशोर का लिखा हुआ गाना अब सभी लोगों को एक अलग ही हिम्मत दे रहा है। फिर मुस्कुराएगा इंडिया नामक इस गीत पर बॉलीवुड भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत बॉलीवुड के सभी सितारों ने इस गाने पर वीडियो बनाते हुए शेयर किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कौशल किशोर के इस गाने की तारीफ की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, भारत जरूर जीतेगा।
कोरोना पर फैलते भ्रम के माहौल को देखते हुए व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग पर लगा दी लगाम। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही कोरोना के नाम पर चलाए जा रहे भ्रम को देखते हुए व्हाट्सएप ने एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने कुछ समय के लिए मैसेज फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को सीमित कर दिया है, जिसके तहत व्हाट्सएप पर यूजर अब किसी किसी ही मैसेज को फॉरवर्ड कर पाएंगे और वो भी सिर्फ एक ही यूजर को। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लगातार व्हाट्सएप पर कोरोना को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिलती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने यह कदम उठाया है। हरभजन सिंह ने की कोरोना के खत्म होने के बाद भी खाली स्टेडियम में आईपीएल के आयोजन करवाने की मांग। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने हाल ही में आईपीएल के आयोजन को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना के खत्म होने के बाद भी आईपीएल का आयोजन एहतियात के तौर पर खाली स्टेडियम में ही करवाया जाए, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ मैच देखने के लिए शामिल होने वाले दर्शक भी सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, आईपीएल का आयोजन को लेकर के भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि 14 अप्रैल तक आईपीएल की तारीख को टाला गया है, मगर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आईपीएल का स्थगित होना लगभग तय माना जा रहा है। बंद में फंसे बिहारियों को 1,000 की राशि दी सरकार ने। बंद में फंसे सभी बिहारियों के लिए राज्य सरकार ने 1,000 की राशि जारी कर दी है, जिसके लिए आप सभी लोगों को सिर्फ मोबाइल पर बिहार कोरोना सहायता ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें सेल्फी के साथ कुछ कागजात के साथ जानकारी दर्ज करानी होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष में यह जानकारी उनके खाते में भेज दी जाएगी। वहीं इस ऐप के जरिए सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि सेल्फी भेजने वाला व्यक्ति बिहार का है या नहीं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार ज्योतिष, अरुण चौधरी, कुंदन कुमार, नीतीश कुमार, आकृति सिंह, बाबुल खान, अभय, आज्ञा चंदन, लालू सिंटू कुमार, शुभम बाबू, नगवान श्याम, बालक सिंह, बालेश्वर कुमार, रवि रंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बिहार में बंद की अवधि को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।